मौजूदा विधायक है लीलाराम जी ने काम नहीं करा, काम के अगर काम करो होता तो वोट देते दोबारा। सुरजेवाला एक तरफी जीत है उनकी, कितनी बार बीजेपी की सरकार आ जाएगी आपको लग रहा है? आगे इसमें कोई शक नहीं है, लग रहा है कि आदित्य सुरजेवाला निकाले बिल्कुल 100% लगभग 10,000 वोटों से ज्यादा। काम वाम बढ़िया किए, ठीक है, काम नहीं करता तो कुछ भी ना करे ना करता। अच्छा, फिर भी जिता देगी बनेगा हवा, किसको जिताने का प्लान बना रहे हैं? बीजेपी लीलाराम गुजर फिर से 100% कांग्रेस की सरकार आ रही है 100% 100% तो ये कांग्रेस की पार्टी में था ना, वो तो बगैर पैसे के लग नहीं देते थे किसी को, सीधी सी बात है। यहाँ तो चांस सुरजेवाला की, इलेक्शन के टाइम सब वोट मांगने आ जाते हैं, उसके बाद में 5 साल कोई कुछ नहीं। कांग्रेस का पर्दा फुल फ्लैग भारी है, बहुत 70% आएगी कम से कम। हरियाणा का डम्मा डोल करिया खट्टर सरकार कने, और साहूकार छूट या दे दीरे मार दिया जमींदार कने। नमस्कार, हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा अब पहुंच चुकी है कैथल में, जिसे कांग्रेस के लिए ये माना जाता है कि थोड़ा सा एज इस विधानसभा सीट से देखने को हमेशा मिलता है। बात करें इस सीट की तो कांग्रेस का भले ही दबदबा रहा हो, रणदीप सुरजेवाला के पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला लगातार यहां से राजनीति करते रहे, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला आगे उस सियासत को बढ़ाने का काम करते रहे, और अब रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में है। बीजेपी से 2019 से जो टिकट पर चुनाव जीते कैथल से लीलाराम गुजर, उनको टिकट दिया गया, तमाम दूसरे कैंडिडेट्स भी मैदान में हैं। ऐसे में कितना कड़ा मुकाबला इस विधानसभा के चुनाव में कैथल से देखने को मिलेगा, यही जानने के लिए पड़ताल करने के लिए पहुँच चुके हैं ग्राउंड जीरो कैथल में। आगे बढ़े उससे पहले की रिपोर्ट देखते हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से एक कैथल विधानसभा सीट। कैथल को महाभारत कालीन शहर कहा जाता है। मान्यता ये भी है कि यहाँ भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। इतिहास के पन्नों में कई कहानियां समेटे हुए इस क्षेत्र की राजनीति काफी दिलचस्प रही। हालांकि कांग्रेस का किला या कैथल को सुरजेवाला परिवार का गढ़ कहे जाने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। 5 बार के विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री और 3 बार के सांसद रहे शमशेर सिंह सुरजेवाला की कर्मस्थली यही रही। इसके बाद उनके बेटे रणदीप सुरजेवाला यहीं से विधायक बने, और अब सुरजेवाला परिवार की तीसरी पीढ़ी के चिराग आदित्य सुरजेवाला यहां से चुनावी मैदान में हैं। वहीं 2019 में इस सीट पर पहली बार कमल खिलाने वाले लीलाराम गुजर पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया। महाभारत की 48 कोस की परिधि में शामिल रही कैथल विधानसभा क्षेत्र की सीट पर इस बार चुनावी महाभारत काफी रोमांचक है। इसकी वजह है कि जाट समाज से 4 तो गुजर समाज से 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कैथल और विधानसभा क्षेत्र में जाट और नॉन जाट की राजनीतिक लड़ाई भी देखने को मिल सकती है। चुनावी मुद्दों की अगर बात करें तो शहर का ड्रीम प्रोजेक्ट सिटी स्क्वायर का निर्माण ना होना और पार्किंग पर काम ना होना यहां की सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा सामान्य अस्पताल में विशेषज्ञों की कमी के कारण मरीजों को परेशानियों से 2-4 होना पड़ता है। इसके अलावा जल भराव और ग्रामीण क्षेत्रों में टूटी हुई सड़कें भी यहां के कॉमन मुद्दों में शुमार है। ऐसे में क्या यहाँ आदित्य सुरजेवाला अपने परिवार के खोए हुए वर्चस्व को वापस हासिल कर पाएंगे, या बीजेपी का कमल एक बार फिर यहाँ पर खिलेगा? ये वोटर्स के मन की बात है, और इसी मन को टटोलने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा पहुँच चुकी है कैथल। शुरू करते हैं आज के सफर को। कैथल के मटका चौक पर हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये इधर मटका चौक और उस तरफ महाराजा अग्रसेन शक्ति स्थल बनाया गया है, जिसमें बहुत ही सुंदर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पूरी सजी है। और यहीं से ही आज शुरुआत करते हैं, जानते हैं वोटर्स का मिजाज क्या है। उस तरफ सड़क के कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे समझेंगे कैथल की राजनीति। हालांकि 2019 के चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला को हार का सामना करना पड़ा, मंत्री भी रहे कैथल से ही, क्या कुछ हुआ जानते हैं। नमस्कार जी, विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है कैथल, क्या फैसला करने जा रहा है इस बार? कैथल विधानसभा में चौधरी रणदीप सुरजेवाला का जो लड़का आदित्य है वो अच्छे वोटों से आगे चल रहा है। अच्छा, पिछली बार तो आपने रणदीप सुरजेवाला को खुद ही हरा दिया था, अब कह रहे हैं बेटा आगे चल रहा है। पिछली बार तो कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई थी, पास में जो रामफल जी थे वहाँ से जेजेपी के वोट गए थे, उन्होंने थोड़े वोट काट दिए थे, इसलिए थोड़ा हवा हो गया था। और बाकी मैं तो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, वैसे इंटरेस्ट रखता हूँ बातों में। आपको लग रहा है कि आदित्य सुरजेवाला निकाल? बिल्कुल 100% लगभग 10,000 वोटों से ज्यादा। देखिए पोस्टर सामने ही है, ये आदित्य। अब इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, 3 ही तस्वीरें हैं। हाँ जी, बाकी कांग्रेस के किसी हरियाणा के नेता की फोटो नजर नहीं आ रही।
एक्चुअल में सुनने में तो ये आ रहा जैसे इनके तीन आपस में विवाद चले हुए हैं, जैसे शैलजा जी है, ये हमारे रणदीप जी हैं और हुड्डा जी, हाँ। अलग अलग ये आपस में थोड़ा कम ही मंच पर इकट्ठे होते हैं। मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं तो क्या बात, हर व्यक्ति दावेदार है अपनी जगह, हाँ। तो इसलिए ये इनके आपस में वार्तालाप से विचार से नहीं मिल पाते हैं। नाम है रणदीप सुरजेवाला, मुख्यमंत्री बनने चाहिए क्या? मुख्यमंत्री बनने के लायक भी है और एक नंबर के काम करवाता जी। अच्छा। जहाँ जैसे हुड्डा ने वहाँ कहते रोहतक में चमकाया था, लेकिन हुड्डा से भी ज्यादा कैथल चमकाया हुआ है। अच्छा, हुड्डा जब सरकार थी कांग्रेस की तो हुड्डा सरकार में रणदीप सुरजेवाला ने कैथल ज्यादा चमकाया, बिल्कुल चमका दिया था जी। कैथल को और चमकाने की उम्मीद है? हाँ बिल्कुल, पूरी पूरी उम्मीद है जी। लेकिन फोटोज होनी चाहिए बाकी नेताओं की? वो तो सर इनके मैडम जी इनके निजी विचार है, अब क्या कह सकते हैं भी, कई बार पारिवारिक सो आपस में हो, अब बराबर कंपटीशन में है, मुख्यमंत्री का दावेदार है, ये नहीं चाहता कि उसकी फोटो, मैं दूसरे की फोटो क्यों लगाऊं। हाँ बस ऐसे ही होता है जी, कुछ और लोग भी है। ओके जी, थैंक यू जी। क्या लग रहा है जी, किसको जिताने का प्लान बना रहे हैं? बीजेपी लीला राम गुजर फिर से 100%। क्यों जी? योग्य है, लायक है, योग्य है बिल्कुल। तो क्या पार्टी बढ़िया लग रही है या लीला राम गुजर बढ़िया लग रहे हैं? व्यक्तिगत रूप से तो लीला राम भी हमारा बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन अगर पार्टी वैसे देखो तो मोदी। क्यों मोदी, इतनी मोदी क्यों कर रहे हैं आप? क्या मोदी जी के काम बढ़िया लग रहे हैं? आप अपने दिल से बताओ, नहीं अच्छा क्या? नहीं, आप भारतवासी हैं, बताओ आप, नहीं बढ़िया है? मोदी के मुकाबले पूरे विश्व में कोई नहीं है। क्या बढ़िया बीजेपी की नीति लग रही है आपको हरियाणा के लिए? ऑनलाइन सिस्टम और भ्रष्टाचार कम है, पहले की अपेक्षा बहुत कम है। ऑनलाइन सिस्टम बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लोग कह रहे बड़ी परेशानी है, कांग्रेस कह रही है हम आएंगे तो बंद कर देंगे सब पोर्टल। जैसी रही भावना जाकी प्रभु मुहूर्त देखी तीन वैसी, अब उनको ऑनलाइन में दिक्कत है, कोई पोर्टल बंद करवा रहा है, हम कह रहे हैं पोर्टल ऑनलाइन सिस्टम है, बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि ऑनलाइन होता है तो पारदर्शी सिस्टम रहता है, और अगर नहीं होता है ऑनलाइन तो कुछ लोग होते हैं जो सिस्टम को खराब करते हैं, अदरवाइज सब सिस्टम बढ़िया। हम पढ़े लिखे हैं, काम कर रहे हैं, व्यापारी आदमी हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है, जहाँ भी जाते हैं। अच्छा देखो, हमारे में कमी होती है तो हम भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। रणदीप सुरजेवाला के बेटे का कुछ हो पाएगा? मैं उसके बारे में कोई राय नहीं देना चाहता, लेकिन अपना लीला राम जिंदाबाद है। अपना तो लीला राम जिंदाबाद है जी। इधर चलते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ पुरुष भी हैं। नमस्कार जी, क्या लग रहा है किसको जिताएंगे इस बार चुनाव? मोदी की पार्टी से लीला राम जी खड़े हैं, उनको ही जिताएंगे। ऐसा है जी, जैसे कि ये जो मोदी है ना प्रधानमंत्री, ऐसा हमारे पास कभी से कभी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं होगा। अच्छा। यही इतने बढ़िया, जो हमारे देश को इतने आगे लेके जा रहे हैं, अभी तक बाहर भी विदेशों में भी इन्होंने हमारा भारत का इतना नाम कर दिया, मुझे नहीं लगता अब तक कोई भी ऐसा कर सका है। अपने देश के लिए कर रहे हैं जी ये, बाकी सब तो अपनी अपनी कुर्सी के लिए करते हैं, लेकिन ये देश के लिए कर रहे हैं। मोदी ये देश के लिए सबसे बढ़िया है, मुझे तो बेस्ट लगते हैं। बीजेपी की 10 साल हरियाणा में सरकार रही, ठीक लगी आपको, बढ़िया लगी? मेरे को तो बिल्कुल बढ़िया लगी जी, सही काम करा जी। देखो गरीबों के लिए भी बहुत अच्छा करा है, इतने लोगों की नौकरियां निकली हैं अब तक, मतलब कि और किसी उसमें जो भी ये पार्टियां चल रही थी ना, जितनी इन्होंने ये बिना पर्ची खर्ची के निकाली हैं, बीपीएल कार्ड इतने बढ़िया से चल रहे हैं, सबके राशन मिल रहा है, तो मैं तो कहती हूँ इससे अच्छी पार्टी कोई है ही नहीं। अच्छा, नौकरियों को लेके ये बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी में नौकरियां तो लगी ही नहीं, कांग्रेस आएगी तो नौकरी देगी। देखो जी, यहां की तो लड़की हूं कैथल के ना, और शादी मेरी क्योड़क हो रही है, क्योड़क से ही इसी इसमें बीजेपी में बहुत से लोग लगे हैं, बहुत, जिनका कोई एक रुपया भी नहीं लगा। अच्छा, बिना पैसे जो के? मतलब कि इसके लायक थे, और जो ये कांग्रेस की पार्टी में था ना, वो तो बगैर पैसे के लग नहीं लगते थे किसी को, सीधी सी बात होती। भले देखो जब मैं नहीं लगी, मैं नहीं इस लायक थी, जो लायक बच्चे हैं वो लग रहे हैं। मतलब मेरिट है तो नौकरी में मिलेगी? हाँ जी हाँ जी, मुद्दा मेरिट और नौकरी का सबसे बड़ा, लिखाई में भी, और एक हमारे देश में गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है बीजेपी के आने से, खत्म हो गई है। कांग्रेस तो कह रही है सबसे बड़ा गुंडा राज बन गया हरियाणा, कांग्रेस तो खुद गुंडागर्दी करती है जी, वो तो कहेंगे ना जी, सीधी सी बात है। हाँ जी, मतलब बीजेपी बेस्ट है हमारे इंडिया का। सुरजेवाला का क्या रहेगा चुनाव में? मैंने तो जी देखो क्योड़क में भी यहाँ पर भी ऐसी कुछ हवा ना है, जो थी वो निकल चुकी है, सीधी सी बात, सारी हवा निकल चुकी है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जी, कौन बेस्ट है कैथल का विधायक बनने के लिए? लीला राम है जी सबसे बेस्ट। अच्छा, क्योंकि मतलब के भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो देश को नहीं पूरे विश्व को एक सूत्र में परोने काम करती है, भाजपा से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। अगर हिंदू तो बचाना है या देश के टुकड़े होने से बचाना है, तो भाजपा ऐसी पार्टी है जो पूरे उसको एक लेवल में लेकर चलती है। कांग्रेस
कांग्रेस वाले कह रहे हैं अगर हरियाणा को बचाना है तो अब तो सरकार बदलनी। हरियाणा नहीं, ये तो हमारी आपसी चौधरी की लड़ाई है, सिर्फ चौधरी और कुछ नहीं है, ये कड़वा सच है, चौधरी की लड़ाई है। बाकी अगर आपने देश बचाना है तो मोदी से बेटर कोई नहीं है। तो तीसरी बार बीजेपी की सरकार आ जाएगी आपको लग रहा है? आगे इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो तो इस बात ने जाना है। हाँ। और जो आदमी छोटी बुद्धि का है वो तो घर में रोड़ा कर ले। मुद्दा सबसे बड़ा आपके लिए हिंदुत्व का है, मतलब ऐसा देश अगर खंड खंड होने बचाना है, हिंदुत्व बचाना है तो मोदी ने रखो। अगर अपने बच्चे मरवाने हैं, इतने कांड है जम्मू कश्मीर से लेकर हर उसमें अपने के लिए इतना ज्यादा कांड होया कि अपना सारा सिस्टम खराब हो गया। देख है नेहरू के टाइम में क्या था, जो देशभक्त लोग थे उन्हें क्या कराया था, देश तैयार कराया था, लेकिन कुछ लोगों ने उठे धोखेबाजी करके फिर सरकार ले ली, 65 साल में पीछा छोड़ दिया देश। अमेरिका इंडिया बराबर हुए थे ना, चाहना है तो आप कह रहे हैं मोदी जी जरूरी है। आपको क्या लग रहा है, हवा क्या है कैथल की, क्या कह रही है? आदित्य सुरजेवाला एक तरफी जीत है उनकी कैथल से, एक तरफी जीत है, क्यों लग रहा है ऐसा? मैम चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला और शमशेर सिंह सुरजेवाला जी का 10 साल का कार्यकाल रहा है हमारे यहाँ कैथल विधानसभा से, तो उन्होंने इतने विकास कार्य करवाए हैं कि उससे पहले हर एक गांव के अंदर कोई गली कच्ची थी, कोई ईंटों की थी, तो उन्होंने सारे गांव के अंदर बहुत अच्छे विकास कार्य करवाए, ऊपर से शहर के अंदर। अच्छा, मैं एक जिक्र कर रही थी पोस्टर का ही, और कांग्रेस में जो गुटबाजी जितनी चरम पर है, अब रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री की रेस में खुद को भी बता रहे हैं, उधर हुड्डा साहब है, उधर कुमारी शैलजा है, तो ये जो मुख्यमंत्री की कुर्सी की रेस है ये कितनी बड़ी गले की फांस बनेगी कांग्रेस के लिए? देखिए ये जो हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस है, ऊपर का जो नेतृत्व है ये उसका फैसला रहेगा, लेकिन आकांक्षा रखना, चाहे उसमें चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हो, हुड्डा साहब हो, कुमारी शैलजा हो, मींस फैमिली तो एक ही है ना, कांग्रेस फैमिली है जो उच्च नेतृत्व। कांग्रेस फैमिली में हरियाणा के किसी नेता की फोटो नहीं है मैम, देखिए हमारे कैमरामैन से कहूंगी एक बार ये पोस्टर भी दिखाएंगे, इसमें हरियाणा के किसी नेता की फोटो है ही नहीं, सिर्फ रणदीप सुरजेवाला, उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला, ऊपर आप देखेंगे तो मल्लिका अर्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है। तो बेसिकली क्या है, देखिए हमारे कैथल के अंदर अगर आप क्या चाहते हैं, मुख्यमंत्री हुड्डा साहब बन जाए के सुरजेवाला साहब बने, उसके अंदर है ना बेसिकली, देखिए हमें बारी मतों से भाई आदित्य सुरजेवाला को विजयी बनाना है। एक विधायक से कैसे होगा मैम? देखिए अगर हम हमारे हलके की बात तो कह रहे हुड्डा साहब की मर्जी से बटी है मैम, वो सारे का सारा उच्च नेतृत्व के अंदर अच्छा। हुआ है, उसमें कोई एक मींस अगर हुड्डा साहब बोलेंगे कि भाई मैंने टिकटें बांटी है, ऐसा कुछ नहीं है, श्री राहुल गांधी जी आदित्य सुरजेवाला का बोलवाला है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, क्या चुनावी हवा कह रहे हैं? रणदीप सुरजेवाला जीता आदित्य जी, हाँ जी, यहाँ क्यों जिताएंगे? क्योंकि ये बढ़िया, पहले भी इसने बहुत बढ़िया काम करया जी, मतलब इसकी गुजर रही कोई तल्दी नहीं है, इधर यहाँ नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही? बिल्कुल बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे जिसने। अच्छा, ये तो ऐसे बहुत बड़े अफसरों से आप चलती नहीं है। अच्छा। जिसकी नहीं चलती उसको क्यों जनता चुनेगी जी, आप बताओ। रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला की चल जाएगी? हाँ चलेगी, तो काम पहले भी करके है मैडम जी, ऐसी बात नहीं है। हम उसके क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार बना पाएगी हरियाणा के चुनाव में? हरियाणा में तो देखो जी सरकार आएगी कांग्रेस की, बीजेपी की नहीं आएगी। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री तो देखो शैलजा में था, रणदीप में था बनागा। हुड्डा साहब तो देखी जाएगी, हुड्डा साहब की। आपने हुड्डा साहब को ही बाहर कर दिया? नहीं बाहर नहीं कर दिया, टिकट बंटवारा कर रणदीप सुरजेवाला या कुमारी भाई साहब है, ऊपर से जो करेंगे नहीं, पहले भी यहाँ से हुए थे, मतलब मोदी चाली थी। आपने कहा कि मुख्यमंत्री या तो रणदीप सुरजेवाला होगा या कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आपने नाम ही हटा दिया, मान ही नहीं रहे? 10 साल कर लिया जी, कोई काम तो कौन करे इतना, मारा रणदीप सुरजेवाला बढ़िया आदमी है जी। ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब रेस में ही नहीं है, रणदीप सुरजेवाला कुमारी शैलजा, आपको क्या लग रहा है? आम तो रणदीप के वर्कर है जी, आप रणदीप के वर्कर? बिल्कुल शुरू से रणदीप के वर्कर। जिता देंगे इस बार? हाँ जी जीतेगा, क्यों नहीं जीतेगा, फुल वोट भी है सपोर्ट भी है, दोनों काम है जी, सपोर्ट भी है, सपोर्ट भी है, जीतेंगे कह रहे हैं, आगे बढ़ते कुछ और लोगों से भी करेंगे बात, यहाँ पे भी कुछ लोग खड़े हैं। क्या लग रहा है जी, नमस्कार, किसको जिताने का प्लान है? देखो वैसे तो यहाँ तो चांस सुरजेवाले की। अच्छा। लगभग तकरीबन माहौल ही ऐसा है। अच्छा। माहौल ही ऐसा है क्योंकि वैसे तो बीजेपी ठीक है पार्टी एज ए नेशनल पार्टी, लेकिन माहौल ऐसा बन रहा है क्योंकि 10 साल की एंटी कन्वेंसी भी तो है, होती है एंटी इनकम्बेंसी, एंटी कन्वेंसी होती है, बीजेपी के सारी एंटी इनकम्बेंसी को हमने कन्वेंसी में बदल दिया है। वो कैसे बदल दिया जी, 10 साल की तो कहीं भी हो। हाँ।
आप कर्नाटक में भी देखेंगे और भी कहीं देखेंगे। एंटी कन्वेंशन होती है। दूसरी बात है कि ये बात है जी कैंडिडेट के ऊपर, वो कैंडिडेट जो ये सुरजेवाला हम तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, पहचान है। मैम पता क्या होता है, मैम घर में ना एक बुजुर्ग होता है, अगर वो झूठा हो ना तो नीचे सब झूठे होते चले जाते हैं। झूठा तो नहीं कह सकते, मोदी नहीं दुर्गति नहीं है, नहीं है। जबकि मैं कांग्रेस से हूँ, जबकि मैं कांग्रेस से हूँ वोट, लेकिन मोदी अच्छा आदमी है। एज ए नेशनल पार्टी मोदी इज गुड गुड पीएम प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये तो निजी मुद्दा है, एरिया का है, यहाँ पर कोई भी बन सकता है। क्या गाना सुनाना चाहते हैं? ले भाई प्रेमी सजनों ध्यान से सुनिए, मैं एक छोटा मतलब जमींदार का बेटा हूँ, ठीक है, मतलब खट्टर सरकार से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं थोड़ी लाइन सुनाऊंगा, ज़्यादा कलाकार नहीं हूँ मैं। हाँ। हरियाणे का डामा डोल करिया खट्टर सरकार तने, और साहूकार छूट या दे दीरे मार दिया जमींदार तने, आमदनी कम फिर कर छा ज्यादा है क्योंकर टेम लखावे, हर घर में बाल के भूखे रह सोते रोटी तक ना पावे, हर तेल का ढोल दवाई चढ़ा दी गले चढ़ा दिया खार तन, हरियाणे का डामा ढोल करिया खट्टर सरकार तने। जय हिंद। बहुत बढ़िया जी, सैनिक की सरकार है, थोड़ा पुराना जी रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे चुनावी मिजाज क्या कुछ है। आप देख रहे हैं कि कितना मुकाबला कड़ा है कैथल में, क्या लग रहा है किसका माहौल ज्यादा नजर आ रहा है कैथल में? यहाँ रणदीप सुरजेवाला बनेगा जी। रणदीप सुरजेवाला तो लड़ी नहीं रहे, उसके लड़के लड़ रहे जी। अच्छा, मतलब रणदीप सुरजेवाला या आदित्य सुरजेवाला है, एक ही बात है जी, एक ही बात है। क्यों जितवाना चाहते हैं? विकास के नाम पे वोट दिया रहे जी उसको। पहले विकास उसी ने किया था कैथल में, 2019 में हरा दिया था आप लोगों ने, वो जींद इलेक्शन थोड़ा सह दिया था उसको। अच्छा, जो जींद बाई इलेक्शन में हारे जी, उसका एक वेव यहाँ पे भी आ गया जी। तो अभी थट गई सारी परेशानियाँ, सारी परेशानी ऐसा है जो मौजूदा विधायक है ना नीला राम जी ने काम नहीं करा, काम के अगर काम करा होता तो वोट देते दोबारा। बीजेपी ने तो फिर से टिकट दे दी नीला राम गुजर को, तो हरा देंगे क्या हो गया? अच्छा, आप लोग हराने के लिए तैयार बैठे? बिल्कुल। तो मतलब नाराजगी ज्यादा बीजेपी से नहीं है आपकी, लीला राम गुजर से ज्यादा नाराजगी? अगर देखो प्रदेश पहले सरकार बनाई, अभी दोबारा फिर इसको बना दिया लीला राम जी को, तो प्रदेश में विकास करना चाहिए था कैथल में, उसी हिसाब से विकास हुआ नहीं पा रहे यहाँ। बस रोड़ा यही है, सुरजेवाला ने विकास करा था हर जगह, यही था। सुरजेवाला ने विकास किया था, लीला राम गुजर ने कुछ किया नहीं, और इसी वजह से थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं। आगे बढ़ते कुछ और लोगों से करते हैं बात। तो कैथल ग्राउंड जीरो से आपको चुनावी हाल बता रहे हैं, और अभी हम पहुंच चुके हैं कैथल के कमेडी चौक। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत से लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या लग रहा है किसको जिता रहे हैं। हम बना घर किसको? लीला को। अच्छा, लीला को बना घर है। हाँ, तो काम वाम बढ़िया किए, ठीक है, काम नहीं करता कुछ भी, ना कर ना करता। अच्छा, फिर भी जिता देंगे बना घर? क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों? दमा का दमा कह रहे हैं कि जी लीला राम ना काम करते हैं ना सुनते हैं, लेकिन हम उसके बावजूद भी उन्हीं को ही जिताएंगे, उन्हीं को ही बनाएंगे। उस तरफ चलते हैं, कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ चुनाव के इस सीजन में कैथल की जनता के दिल में है, क्या देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। नमस्कार जी, क्या हाल है? क्या लग रहा है विधानसभा का चुनाव है, किसे जिताने का प्लान कर रहे हैं? देखो मैडम जी, बराबर की टक्कर है जी। अच्छा, किसके बीच में सर? ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी की बराबर की टक्कर है। टक्कर है जी, देखो कौन आगे निकलता है जी। तो बड़ी मुश्किल हो जाती होगी। देखो जी, देखो पब्लिक क्या कहती है जी, है जी? तो आपको ही पता है। पहले एक बात बताइए, 10 साल बीजेपी की सरकार देखी, 10 साल कांग्रेस की देखी, उससे पहले कौन सी ठीक लग रही है, काम किसने ठीक किया? जो काम करेगा वो उसको अच्छी मानी जाएगी जी। किसने किया वही तो पूछ रहे हैं। देखो विकास तो थोड़ा बहुत होता ही रहता है जी, हर सरकार में होता रहता है। बाकी तो कांग्रेस की सरकार में यहाँ पे ज्यादा विकास रणदीप सुरजेवाला करवा पाए या बीजेपी की सरकार में कर दिया खट्टर साहब ने? कुछ वो करवा रहे थे जिनकी सरकार आती है, कुछ ये करवाते हैं जब सरकार बदलती रहती है। बीजेपी ने भी करवाया कैथल में? करवाया जी बीजेपी, काम करवाया। बाकी तो सरकार जो भी आई थोड़ा बहुत अपना नाम कमाएगी, काम तो करवाएगी जी थोड़ा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चेहरे जो है आप कह रहे हैं जिनके बीच में टक्कर है, एक तो बिल्कुल युवा, एक आपके लीला राम गुजर, हाँ जी, हाँ जी। एक नए नए आए हैं, हाँ जी। एक ने थोड़े पैर जमा लिए हैं राजनीति में, तो मतलब क्या देख रहे हैं भाई? अभी तो लोगों को
मूड देख रहे हैं अभी क्या बनेगा, या अभी एक दो दिन हो रहे हैं, दो तीन अच्छा, दिन में, दो तीन दिन, दो तीन दिन में एंड में जाकर फैसला करेंगे। रात को ही फैसला बदल जाते हैं जी। रात को भी आधी रात का कारण क्या होता है, आधी रात को फैसले बदल जाते हैं जी। अभी चुनाव बदलता है, एक मिनट का भरोसा नहीं है किसी का। अभी अभी थोड़ी देर पलड़ किसी का भारी हो जाए, ये कोई पता नहीं लगता। ये तो बिल्कुल सही बात है। अभी आप कह रहे कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो। जो दूसरी पार्टियां हैं उनका कुछ है क्या? कुछ नहीं, वो तो ऐसे वो तो बस घूम रही है, बाकी इनका ही जोर है बस। बीजेपी किसी का कुछ नहीं, बीजेपी और कांग्रेस का ही है बस, कोई और नहीं, और कोई पार्टी नहीं आई। बीजेपी कांग्रेस का ही है, कोई और नहीं। आपको क्या लग रहा है सर? मैं जी हमें कुछ नहीं लग रहा, हमें कुछ नहीं लग रहा है। कांग्रेस गठबंधन की सरकार आ रही है, गठबंधन हाँ, इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की तो है ही नहीं, आम आदमी पार्टी से तो गठबंधन हो ही नहीं पाया। कांग्रेस की सरकार आ रही है बस। अच्छा, वो इंडिया गठबंधन आपने लोकसभा के समय में याद कर लिया होगा? हाँ बस, वो अभी तक निकला नहीं जहन से, निकलता भी नहीं। इंडिया गठबंधन की सरकार ही रहेगी बस। नहीं तो इंडिया तो गठबंधन है ही नहीं ना, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है। कांग्रेस की सरकार आ रही है 100%, विश्वास है 100%, 100%। हाँ जी, 1% कांग्रेस की सरकार से तो काम वाम ठीक किए थे? कांग्रेस की सरकार नहीं कर रखी है सारा कुछ, और क्यों ना कर रखा है। अच्छा, और तो मुख्यमंत्री क्या लगता है किसको बनना चाहिए? मंत्री है काहे का मुख्यमंत्री है, खटारा को बनना चाहिए कि मंत्री, या हुडा साहब को बनना चाहिए? काहे का नाम दे रहे इसका, खट्टर का काहे को नाम दे रहे, ये तो खटारा पार्टी है। मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार में आप मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? देखो जी टाइम बतावेगा, थोड़े दिन रुक जाओ। अच्छा, चलिए थोड़े दिन, 8 तारीख तक इंतजार करते हैं क्या फैसला होता है। लेकिन मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं, किसको जिता रहे हैं? करीब बराबर की है, बराबर की है। तो कैसे फैसला करेंगे? आना चाहिए मोदी, आना चाहिए मोदी। बड़ा चुपके से धीरे धीरे बोल रहे हैं आना चाहिए मोदी, क्यों? 1% मोदी आएगा, मोदी आएगा। तो चुनाव तो हरियाणा का है, तो मोदी जी के नाम पे वोट डालेंगे? हाँ जी। क्यों, मोदी जी में कुछ खासियत है क्या? बढ़िया लग रहे हैं मोदी जी? टाइम बताएगा, वो हमारा ये विचार है। मोदी जी ने जो काम किए हरियाणा के लिए, या हरियाणा की सरकार ने जो काम किए बीजेपी की, वो ठीक है? आप उससे संतुष्ट? हाँ ठीक है जी, ठीक है। पेंशन आपके खाते में आती है? आती है, सीधा खाते में आती है, ठीक है। पहले कोई दिक्कत होती तो चक्कर काटते थे? ना, कोई चक्कर नहीं काटते कांग्रेस की सरकार में पहले। हाँ जी, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, हाँ जी, तब ठीक था पेंशन का सिस्टम? अब यह कड़क मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, 5 किलो अनाज जो मिल रहा है। कांग्रेस टाइम के क्या मिला हमारे को? कुछ मिला? कुछ कुछ मिला नहीं मिला। फिर अब सबको मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, सबको मिल रहा है। तो बीजेपी की, इसलिए आप कह रहे हो बढ़िया सरकार, इसलिए बीजेपी की सरकार बढ़िया है। क्या लग रहा है, युवा भी हैं हमारे बीच में, युवाओं के लिए कौन सी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो मैम इलेक्शन के टाइम सब वोट मांगने आ जाते हैं, हाँ। उसके बाद मैम 5 साल कोई पूछने नहीं आता। इन सरकारें तो देख लिया आपने, 10 साल अभी बीजेपी की सरकार देखी, उससे 10 साल पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, कौन सी बढ़िया लग रही है आपको? मैम सरकार तो इन्होंने थोड़ा काम अच्छा भी करा है, थोड़ा खराब भी करा है। अच्छा, अच्छा तो कौन सा किया है पहले वो बताइए, फिर बताइएगा खराब कौन सा किया है। अच्छा जो ये किया है कि भी थोड़ा बहुत युवाओं को नौकरी भी दी है, थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत ज्यादा। बेरोजगारी तो है मैम, बेरोजगारी तो अगर 10 लाख पोस्ट है तो उसमें अंदर 20,000 10 लाख बच्चे पेपर दे रहे तो 20,000 पोस्ट है, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे मैम? बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? थोड़ी नौकरी लगाई है, लेकिन लगाई है थोड़ी बहुत लगाई है, बाकी और क्या अच्छी बात है? बस यही थोड़ी बहुत अच्छी बात है, थोड़ी बहुत अच्छी बात है। अब बुरी बात क्या है? बुरी बात मैम विकास नहीं है, नहीं है, नहीं है। थोड़ा थोड़ा बहुत विकास नहीं है शहर के अंदर, कोई विकास नहीं है। आप सिविल हॉस्पिटल में चल जाओ, सरकारी बातें करती हैं, सिविल हॉस्पिटल में चले जाओ, एक तरफ तो पानी पीने का है, एक तरफ गंदगी इतनी है, और ऊपर से वहाँ पे ना तो एसी है ना कूलर है इमरजेंसी में। चलो गरीब आदमी के घर के अंदर एसी कूलर नहीं है, पर वहाँ पे मैम अगर बंदा बीमार है तो वहाँ वैसे ही बंदा मर जाएगा। सरकार कहती है हमने आयुष्मान कार्ड बनवा दिए, प्राइवेट हॉस्पिटल को पैसे देने से हम सरकारी हॉस्पिटल बना सकते हैं, हम अपने शहर के अंदर PGI बढ़िया बना सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी अगर गवर्नमेंट सुविधा दे दे तो प्राइवेट में जाने का फायदा क्या है मैम? बहुत मतलब जनता है, सबसे पहले तो हमारे देश का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, अगर स्वास्थ्य ठीक है तो फिर हमारी सब चीज़ें ठीक है। सरकार कहती है हमने स्कूल बनवा, स्कूल अच्छे कर दिए, तो स्कूल अच्छे काम है, बच्चे पीछे से टपते हैं सरकारी स्कूल में भी, हमने खुद देखा है, सच्चाई है ये, झूठ नहीं, मतलब झूठ नहीं, हम किसी की सरकार की बातें करते,
हमें अपने शहर में विकास चाहिए, बेरोजगारी हटानी है। अगर 10 लाख बच्चे तो 10 लाख पेपर देने तो 20,000 पोस्ट है बाकी। तो कि देखिए अच्छा काम भी है लेकिन बुरे काम भी हैं। अच्छे काम ठीक है, नौकरी दे दी आपने थोड़ी बहुत, लेकिन विकास नहीं है, स्वास्थ्य का स्तर नहीं बदला है। नमस्कार जी, क्या लग रहा है विधानसभा का चुनाव है, किसका पलड़ा भारी है? कांग्रेस का पलड़ा फुल फ्लैग भारी है, बहुत 70 सीटें आएंगी कम से कम। अच्छा, पूरे हरियाणा की भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? हाँ जी, 70 सीटें आएंगी। क्यों सर, क्यों लग रहा है भविष्यवाणी आप ऐसी कर रहे हैं? कांग्रेस काम नहीं हुआ, कोई युवा का काम नहीं हुआ, कोई गरीब आदमी का काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ बिल्कुल। बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को नौकरी दे दी, सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया। बिना पर्ची खर्ची क्या नौकरी दे दी, कितने बंदे लगा दिए, कितनी नौकरी चाहिए, 10-20-50 हजार, 2000-20,000, 50,000 नौकरी दी, क्या बनता है इससे, रोजगार तो नहीं है। कैथल में रणदीप जी आ रहे हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं, इनका बेटा जीतेगा, आदित्य जीतेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो रणदीप सुरजेवाला मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं? रणदीप जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, वैसे ख्वाब ले रहे हैं, उनका बेटा ठीक है जो भी बनेगा। क्यों नहीं बन सकते? नहीं बन सकते ना, आपने तो उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। हुड्डा जी बनेंगे। अरे ये तो अलग ही गजब बात कर दिया। नहीं नहीं, हुड्डा जी बनेंगे। कैथल में हम खड़े हैं, आप कह रहे हैं रणदीप जी आ रहे हैं, उनका बेटा आदित्य सुरजेवाला आ रहा है, फिर आप कह रहे हैं रणदीप जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, फिर आप ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे? आएगी कांग्रेस की सरकार, हुड्डा जी बनेंगे मुख्यमंत्री, रणदीप जी के बेटे को मंत्री पद मिल जाएगा, बस यही है। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं? नहीं नहीं। तो देख रहे हो पोस्टर में हुड्डा साहब की तो फोटो भी नहीं लगाई रणदीप सुरजेवाला? हुड्डा साहब की पोस्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है, रणदीप ही बहुत है अकेला बेटे के लिए। कुमारी शैलजा की फोटो भी नहीं? कुमारी शैलजा उधर है अपनी जगह, इस अच्छा, साइड नहीं, नहीं है। हाँ। तो मतलब आप कह रहे जो हुड्डा साहब है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको सब हरियाणा में लोग मान रहे हैं कि भाई ठीक है, बढ़िया नेता, बहुत अच्छा मान रहे हैं उनको, अच्छा मान रहे हैं, उनसे उम्मीद है। हाँ जी। तो बीजेपी नहीं आ रही है तीसरी बार? 1% भी नहीं आएगी जी, 1%, क्योंकि पहले मोदी जी का चेहरा था, मोदी जी का चेहरा खत्म हो गया, अब नायब जी का चेहरा है। नायब तो अपनी सीट ही नहीं जीत पाएगा, और बोलो। अच्छा जी, लाडवा में जाके पता करो, अपनी सीट ही नहीं जीत पाएगा। लाडवा भी हरवा रहे हैं आप, पता करो आप जाके, और बोलो। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों, वही बात, जो काम हुआ ही नहीं हरियाणा में कोई, तो क्या उनको मनाएगा कोई, अगर काम किया तो खट्टर जी मारे थे, मतलब एंटी इनकंबेंसी जबरदस्त है, वन साइड इलेक्शन पूरे हरियाणा के अंदर, कांग्रेस को कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ जी, चलिए बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके, शुक्रिया। कह रहे वन साइड इलेक्शन है पूरे हरियाणा के अंदर, कांग्रेस को कोई रोकने वाला नहीं है। तो तमाम लोगों से हमने बात की और आपने देखा कि किस तरीके से अपनी जो बातें हमारे साथ साझा करते हुए नजर आए, अलग अलग लोग अपने विचार हमारे साथ साझा कर रहे हैं और बता रहा है कि जो चुनाव है ये कितना ज़्यादा दिलचस्प है, कितना ज़्यादा मुश्किल है। कुछ लोग साफ तौर पर ये कहते हुए भी नज़र आए कि बहुत बढ़िया काम बीजेपी की सरकार ने किया, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कांग्रेस की जब सरकार आएगी तब मालूम होगा कि हरियाणा में विकास किस गति से होगा, एक तरफा कांग्रेस आ रही है। बहरहाल ये बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है, लेकिन इतना तो तय है कि यहाँ मुकाबला बेहद कड़ा है, बेहद क्लोज है आदित्य सुरजेवाला और लीलाराम गुर्जर के बीच में। अब जीतेगा कौन, 8 तारीख को ये मालूम होगा, लेकिन इस चुनाव यात्रा के कार्यक्रम के जरिए कैथल का मिजाज आपको बताने की कोशिश हमने की है। और लगातार आप हरियाणा न्यूज़ पर इस पूरे हरियाणा के चुनाव की कवरेज देखते रहिए, समझते रहिए इस पूरे चुनाव को, और तमाम अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ हरियाणा न्यूज़ पर आपको हर पल देखने को मिलेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।